बोले महाभारत का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए थे, केवल दुर्योधन बचा था, उसकी भी भीम ने गदा से जंघा को तोड़ दिया था। कभी बाज आ रहा है, कभी कौवा, और दुर्योधन उनको भगा रहा है। तभी अश्वत्थामा का आना हुआ। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? अरे मैंने तुम्हारा वो समय देखा है जब तुमसे मिलने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी लाइन से लगे रहते थे, और तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? दुर्योधन ने कहा, मित्र मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन एक ही चीज का दुख है। बोला, हम लोग ना 100 भाई थे, और 100 भाई में मेरे 99 भाई मारे गए, और मैं भी मरने ही वाला हूं। पांडव केवल 5 भाई थे, और 5 में एक भी अगर मर जाता ना, तो मेरे मन में बड़ी शांति हो जाती। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी बात? तुम चिंता क्यों करते हो, मैं 5ों को मार दूंगा, मुझे सेनापति बनाओ, अपने रक्त का तिलक लगा दिया अश्वत्थामा के, और कहा कि आज से तुम सेनापति। अश्वत्थामा ने सोचा, मारू कैसे? इस समय ना पांडव बहुत बलवान है, तो मुझे वही विधि अपनाना चाहिए जो विधि उल्लू अपनाता है। उल्लू जो होता है ना, इसको दिन में तो दिखाई देता नहीं, और रात को कौओं को नहीं दिखाई देता, और ये दोनों एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। तो उल्लू ने क्या किया कि रात में कौओं के झुंड पर आक्रमण कर दिया, और सोते हुए कौओं को मार दिया। अश्वत्थामा ने विचार किया, मैं भी यही नियम ही अपनाऊंगा। चला पांडवों की सिवर की ओर, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। अरे जिनकी रक्षा मेरा कन्हैया करता हो, उन्हें कोई मार सकता है क्या? पांडवों के पास में आए, बोले आप ऐसे निष्फिक्र होकर के सो रहे हो, कोई चिंता नहीं आपको? बोले महाराज, हमें काहे की चिंता? हमें चिंता नहीं अपनी, तुम्हें चिंता हमारी है, और हमारे जीवन के रक्षक तो चक्र सुदर्शन धारी है, हमें काहे की चिंता? बोले हमको चलकर के देखना चाहिए, कोई प्रांगण में परेशान तो नहीं है, उनसे मिलना चाहिए। पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण वहां से चले गए, और इनके 5 बेटा थे जो द्रौपदी के थे, वो 5ों पांडव जैसे ही दिखते थे। युधिष्ठिर का बेटा युधिष्ठिर जैसा, भीम का बेटा भीम जैसा, अर्जुन नकुल सहदेव अपने पिता जैसे ही थे, और देखा हमारे पिताजी का आसन सुना है, तो वहीं जाकर के 5ों बेटे सो गए। अब रात को अश्वत्थामा आया, तलवार निकाली, सोते हुए उन 5ों पांडवों के सिर को काट दिया। ले जाकर के दुर्योधन से कहा, दुर्योधन देख, एक की बात कर रहा था मैं, 5ों पांडव ले आया। दुर्योधन ने कहा, अच्छा ला मुझे भीम का सिर दे, बहुत परेशान किया इसने। पर जैसे ही भीम का सिर दिया हाथ में लेकर के, दुर्योधन बहुत रोया, मित्र तुमने ये क्या कर दिया, ये भीम का सिर नहीं, ये तो भीम के पुत्र का सिर है, अरे हमारे खानदान में तो कोई बचा नहीं था, ये बस 5ों पांडवों के पुत्र ही तो थे जो हमको पिंड दान करते, हमारे लिए तर्पण करते, श्राद्ध करते,
अब तो तुमने हमारे पूरे खानदान को ही नष्ट कर दिया। और तड़प तड़प करके दुर्योधन ने प्राण छोड़ दिए। आप विचार करो, जिस मां के 5 पुत्र मरे पड़े हुए हों, उस मां के ऊपर क्या गुजरी होगी। चारों तरफ कोहराम मच गया, राम 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 कैसा कृत्य किया अश्वत्थामा ने। द्रौपदी कहती है, अगर इतना ही वीर था, युद्ध भूमि में मेरे पुत्रों को मार देता तकलीफ नहीं होती, लेकिन सोते हुए मेरे पुत्र को मार दिया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी चिंता मत करो, मैं भी जाता हूं और उस अश्वत्थामा को मार के आता हूं। अर्जुन दौड़े, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, इसने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र टकरा कर शांत हुए, अश्वत्थामा को पकड़ा और द्रौपदी के चरणों में डाल करके कहा, बता द्रौपदी क्या सजा देनी है इसको, तुम कहो तो मैं इसका सर काट दूं, तुम कहो तो हाथी के पैर के नीचे कुचला दूं, बाणों से मार दूं, क्या सजा दूं। लेकिन वाह रे द्रौपदी, जिसको मेरा कृष्ण सखा कहता हो, क्या कोई साधारण नारी होगी। कहने लगी, इसको छोड़ दो, इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं हो जाएंगे। मुंचता मुंचता मेस ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अर्जुन, तुम भूल गए, तुम्हारे गुरुदेव ने जो शिक्षा अपने पुत्र को नहीं दी, वो शिक्षा आपको दी। एक पुत्र की मृत्यु का क्या दुख होता है मैं जानती हूं, और मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार मैं दुखी हूं, इसी प्रकार तुम्हारी गुरु मां दुखी हो। छोड़ दो इसको, छोड़ दो। भीम ने कहा, देख अर्जुन, तू मारता हो तो मार, नहीं तो मैं अपनी गदा से इसका सिर तोड़ दूंगा। नकुल सहदेव बोले, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, मारो, नहीं तो मैं मार दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसा धर्म ग्रंथ कहते हो वैसा ही काम करना। लेकिन द्रौपदी कहती है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। पूरी सभा में सन्नाटा आ गया, करें तो क्या करें। भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अर्जुन बोला, प्रभु आप कोई उपाय बताइए ना। भगवान ने कहा, हमसे पूछते हो, हाँ तो देखो अर्जुन, जब बात समझ में ना आए ना, तो हमको शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। तो जी शास्त्र क्या आपके कहते हैं। तो बोले, शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहणा। देखो, ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसको जान से नहीं मारना चाहिए। और बच्चों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भीम बोला, धन्नो महाराज, आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाए ना, फिर तो हो गया न्याय। भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले तो मैं गीता सुनाई थी, और गीता में लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति का नाम हो, जिसकी प्रतिष्ठा हो, अगर उसका अपमान कर दोगे ना, तो वह रोज मरेगा। अगर जान से मार दिया तो एक ही बार मरेगा, लेकिन अगर उसका भरी सभा में अपमान हो जाए, तो रोज का रोज वो मरेगा। जब जब याद करेगा, तब तब वो मरेगा। समझ गए अर्जुन। उसके बाल काट दिए, माथे से मणि निकाल दी। भगवान कृष्ण ने कहा, ये तुम्हारा जो घाव है ना, कभी सूखेगा नहीं। तुम मौत मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम तड़पते रहोगे और रोज मरोगे। इसलिए कहते हैं, आज भी अश्वत्थामा जीवित हैं और उनके माथे से खून की धारा आज भी निकल रही है। देखो, अश्वत्थामा ने काम तो किया था मारने वाला, लेकिन इसने सोचा, इन्होंने मुझे अपमानित किया,
मैं इनके वंश का नाश कर दूंगा। विचार करता है इनके वंश में कोई बचा तो नहीं, पांचों पांडवों के पुत्रों को तो पहले मार दिया, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु युद्ध में मारा गया। मैंने सुना था कि अभिमन्यु की जो पत्नी है ना उत्तरा, वो गर्भवती है, तो मैं उस गर्भ को भी नष्ट कर दूं। ब्रह्मास्त्र निकाला और उसका संधान कर दिया उत्तरा के गर्भ की ओर। जैसे ही अस्त्र को आगे देखा, उत्तरा रोती रोती प्रभु के चरणों में गिरी और कहने लगी, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे गोविंद, ये ब्रह्मास्त्र मुझको जला करके मार दे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है इसकी आप रक्षा करना। क्यों? क्योंकि कौरव और पांडवों के वंश को चलाने वाला मात्र एक यही बालक है। आपको मालूम है भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उस बालक की उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी और ऊपर से हाथ फेर रहे हैं, किसी को पता नहीं लगने दिया। देखो भारत में बहुत सी ऐसी माताएं हुई जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया, माता देवकी, माता कौशल्या, और बहुत सी ऐसी माताएं भी हुई जिन्होंने भगवान के भक्तों को धारण किया, लेकिन ये उत्तरा पहली माँ है जिसने भगवान और भगवान के भक्त दोनों को एक साथ गर्भ में धारण किया। ऐसी उत्तरा माँ और कोई नहीं हो सकती। भगवान बोले, अब बहुत समय हो गया, बालक की भी रक्षा हो गई है, मुझे आप लोग आज्ञा दीजिए, अब मैं द्वारकापुरी जाना चाहता हूं। किसी को कोई चीज की आवश्यकता हो तो मांग ले। सबने किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। अब नंबर आया कुंती मैया का, बोले बुआ जी आप भी कुछ मांग लो। आपको मालूम है कुंती मैया क्या बोली? विपदा संतु नाशस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतम दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, अगर तुम वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे यही वरदान दे दो कि मुझे विपत्ति मिल जावे, विपत्ति आ जावे, विपत्ति आ जावे। भगवान ने कहा, बुआ जी क्या मांग रही हो, क्या कह रही हो, विपत्ति? आप कुंती मैया के जीवन में एक बार नजर डाल करके देखो तो जितना कष्ट माता कुंती के जीवन में आया है उतना कष्ट कभी किसी के जीवन में आ ही नहीं सकता। माता कुंती का जन्म कहां हुआ? बोले सूरसेन जी के यहां। इनका बचपन का नाम था प्रथा और इनको राजा कुंती भोज ने पाला था, इसलिए इनका नाम कुंती पड़ गया। अब जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं और हुआ, बचपन भी दुखी ही रहा। अब कुमार अवस्था में इनके बालक हो गया। दुर्वासा जी के वरदान से इनके पुत्र का जन्म हो गया। अब बताओ कुमारे में किसी के बालक हो जाए क्या बीतेगी उसके ऊपर? जैसे तैसे उसको गंगा जी में बहा दिया। वही कुंती पुत्र कौंतेय कर्ण, उसको राधा नाम की दासी ने पाला, इसलिए उसका नाम राधे पड़ गया। फिर विवाह हुआ तो कैसे व्यक्ति से, जो पीलिया का रोगी, और उसको श्राप है कि कभी अपनी पत्नी के पास में नहीं जाएगा, अगर गया तो मर जाएगा।
दुर्वासा जी के ही वरदान से इनके तीन पुत्र हुए, दो माद्री के हुए। पांचों पांडवों को मारने के लिए 100 कौरव 24 घंटे लगे रहते, कभी लाक्षाग्रह, कभी द्वित कीड़ा, कभी जहर दे दिया। मुझे याद है बुआ, तुम्हारा एक दिन भी सुख से नहीं बीता और आज तुम्हारे पुत्र राजा बन गए हैं। सुख भोगने की तुम्हारी अवस्था आई है, बारी आई है और आज तुम कहती हो दुख दे दो, क्यों? बहुत सुंदर बात कही, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल कृष्ण रटाए। अरे प्रभु, मैं ऐसे सुख को लेकर के क्या करूं जिस सुख के आते ही मेरा गोविंद मुझसे दूर होता जा रहा है। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते, कहते हैं भगवान को भूल जाना ये सबसे बड़ी विपत्ति है और प्रभु की याद बनी रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है, इससे बड़ा धन और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है, सुंदरकांड में, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई,